Hello students, we are going to start the first DPP of thermal properties of matter. तो ये हमारी first DPP का first question है. At what temperature is the Fahrenheit scale reading equal to twice of Celsius? मतलब हमें Fahrenheit scale और Celsius के बीच में एक relation बनाना है, और relation क्या होगा कि हमारा Fahrenheit जो है वो सेल्सियस से डबल होना चाहिए. तो सेल्सियस को अगर हम एक्स मान लें तो फेरेनहाइट 2x होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, 160 होगी कि 180 की, 200 या नन ऑफ दी, से हम यहाँ पर पता करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला इन द सेंस कि फेरेनहाइट और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो फेरेनहाइट का रिलेशन क्या होता है हमारा, एफ माइनस 32 बाय 180 इक्वल टू सी बाय 100. तो अब फेरेनहाइट में उसने क्या बोला हमसे कि ये 2x है, तो यहाँ पर हम 2x लिख देंगे, 2x माइनस 32 बाय 180, और c की वैल्यू हमारी कितनी है, x है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में ये हाफ है बाय 100. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल किया, 25 जा 29 जा. ठीक है, 5 को यहाँ ले जाते हैं, दिस शुड बी लुक लाइक 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 32, और ये 9 यहाँ पर जाएगा तो 9x हो जाएगा. 5 टू जा 10x माइनस 320 इक्वल टू 9x. इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, सो 10x माइनस 9x इक्वल टू 320. मतलब ये सॉल्व हुआ तो मिलेगा x इक्वल टू 3, ये 5 इंटू ये 160 हुआ एक्चुअली. 160 होना चाहिए यहाँ पर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 160 बनेगा, 160. तो आंसर हमारा आ जाएगा 160. दैट मींस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट.